नमस्ते सर, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ सर। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ADCA, DCA, NCCC, BCC कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टॉपिक मैंने पढ़ा रहा हूँ, यानी पिछले टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कम्प्लीट किया था फंडामेंटल, और सेकेंड टॉपिक जो अब चल रहा है वो आपका MS-DOS है। MS-DOS में मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि DOS क्या होता है और DOS को चलाने के लिए कौन कौन सी कमांड, यानी कौन कौन से कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड क्या होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कमांड्स जो होते हैं उन कमांड को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी पहले से अगर कंप्यूटर में कोई फाइल्स डायरेक्टरी पहले से बनाए गए हैं, उन बनाए हुए फाइल डायरेक्टरी को कैसे और कितने कमांड से उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डॉस का सिंटेक्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज्ड टू शो द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑलरेडी क्रिएटेड, यानी पहले से बनाए गए फाइल्स एंड डायरेक्टरी को शो करने के लिए कौन कौन से सिंटेक्स का यूज किया जाता है। यही आपके सामने है, पहले से बनाए गए फाइल्स और डायरेक्टरी को शो करने के लिए निम्नलिखित सिंटेक्स का यूज किया जाता है। तो आइए स्क्रीन पर देखिए पहले क्या है। तो सबसे पहले सिंटेक्स आपके सामने है DIR, यानी पहला कमांड है DIR। DIR का मतलब होता है डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी इससे सी ड्राइव पर जो पहले से फाइल बनाए गए हैं उनको देखने का क्या कमांड है। इसका लिखना है टू शो, यानी शो ऑल फाइल्स विद डायरेक्टरी, यानी जो पहले से फाइल डायरेक्टरी बनाए गए उनको देखने के लिए हम ये DIR टाइप करेंगे तो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट डॉस में, चलते हैं डॉस को कैसे ऑन किया जाता है, उसके बाद इस पे काम करेंगे। तो स्टूडेंट आपको सीधे यहाँ से आप अपने विंडोज़ की पे आ जाएंगे, ये आपके सामने विंडोज़ की आ गया, और नीचे रन पे आपको command.com टाइप करना है। तो आप command. टाइप करेंगे, काम केवल कमांड टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने पर ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा, इसको बड़ा कर लीजिएगा, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज कर लीजिएगा, और ये सामने जो स्क्रीन दिख रहा है इस इन सभी डायरेक्टरीज आपको बाहर निकलना है। जैसे आपको पहले बताया गया था CD:// से आप बाहर आ सकते हैं या CD:\ से बाहर आ सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आगे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। CLS कमांड से स्क्रीन को साफ कर लिया आपने, ये स्क्रीन साफ हो गया। अब हमें इस रूट पे यही आपका डॉस का प्रॉम्प्ट है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक डॉस में आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसी को हम सी रूट कह सकते हैं, सी ड्राइव कर सकते हैं, या डॉस प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं। तो ये आएगा तभी आप डॉस पे कोई काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम जाने कि DIR कमांड का यूज़ क्या होता है। DIR बता रहा है टू शो ऑल फाइल्स विद डायरेक्टरी, यानी सभी फाइल डायरेक्टरी को देखने के लिए हम DIR इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने DIR मैंने लिखा और इंटर की दबा दिया, तो आपके सामने यहाँ पे DIR करने पर कई सारे स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है। तो जो आपके सामने पहले लिखा हुआ है DA3, ये डेट लिखा हुआ है और ये टाइम लिखा हुआ है, और यहाँ पे बीच में DIR लिखा हुआ है, राइट साइड आपका क्या लिखा हुआ है, फाइल्स है। तो यहाँ पे उन डायरेक्टरी का नाम लिखा गया है और ये कब बनाए गए, किस डेट को बनाए गए, टोटल कंप्यूटर में कितनी डायरेक्टरीज है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। नीचे जो लिस्ट दिख रहा है ये बाइट्स है, इतनी बाइट है, इस ड्राइव में इतनी जगह है, अब इतनी बाइट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये DIR करने से हमें पता लगता है कि कंप्यूटर में पहले से कितनी फाइल डायरेक्टरी बनाई गई है। तो आइए अगला देखते हैं, इसको साफ करने के लिए वापस जब भी करिएगा ये कमांड को अप्लाई करने के बाद इसको स्क्रीन को साफ करिएगा। साफ करने के लिए CLS कमांड होता है, तो लास्ट में आप केवल CLS लिख के एंटर कर देंगे तो ये आपका स्क्रीन साफ हो गया। आइए स्टूडेंट दूसरा कमांड देखें, दूसरा कमांड है DIR/P। P का मतलब होता है पेज बाई, तो शो ऑल फाइल्स विथ डायरेक्टरी पेज बाई, यानी एक एक करके एक पेज आएगा, दो पेज आएगा, तीन पेज आएगा, तो हम पेज बाई के अकॉर्डिंग पेज देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वापस डॉस में, तो यहाँ पे हम पेज बाई करना है DIR/P, यहाँ पी लगा दिया, उसके बाद इंटर दबा दीजिएगा स्टूडेंट। इंटर दबाने पर आपके स्क्रीन पे सामने देखिए फिर उसी तरह फाइल दिखाई दिया और नीचे लिखा हुआ प्रेस एनी टू कंटिन्यू, यानी पहला पेज दिखाई दे रहा है तो ये फर्स्ट पेज दिख रहा है आपको। दूसरा पेज पे जाना है तो कोई भी की दबाइए और सेकेंड पेज पे आप चले जाएंगे, तो दूसरा की दबाने पर सेकेंड पेज आपके सामने, यानी टोटल आपका दिखा रहा है ये बाइट्स एंड फाइल आपके सामने है। तो ये था पेज बाई का इस्तेमाल, स्क्रीन साफ कर लीजिए। आइए अगला कमांड देखते क्या है, अगला कमांड है DIR/W। W का मतलब होता है टू शो ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी विड्थ बाई, यानी चौड़ाई में शो करेगा, यानी लेंथ में आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो आपके आपने सी रूट पर DIR
फॉरवर्ड स्लैश डब्ल्यू का इस्तेमाल कीजिए और इंटर कर दीजिएगा। ये आपके सामने देख रहे हैं विड्थ वाइड। तो इसमें दो अंतर होता है कि जो ब्रैकेट्स में रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, जो ब्रैकेट में वो डायरेक्टरीज हैं, और जो विदाउट ब्रैकेट्स होते हैं वो फाइल होते हैं। इसमें कोई फाइल नहीं है, सारे डायरेक्टरीज हैं, इसलिए सारे ब्रैकेट्स में ये आपके सामने शो कर रहे हैं। तो ये है विड्थ वाइड का इस्तेमाल। फिर वापस सीएलएस कर लीजिए। आइए स्टूडेंट अगला कमांड देखते हैं। एंड अगला आपके सामने एल। एल का मतलब होता है स्मॉल लेटर, टू शो ऑल फाइल्स डायरेक्टली विद स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में शो करने के लिए वापस हम आते हैं कमांड पे, dir/l। तो एल जैसे इंटर करेंगे तो सारे जो नेम दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड, इंटर, लोगोस, है ना, प्रोग्राम फाइल, ये सारे स्मॉल लेटर में ही शो करेंगे आपके सामने। तो ये था एल का इस्तेमाल। वापस स्क्रीन को नॉर्मल कर लीजिए। फिर आते हैं अगला। अगला क्या है AD। AD का मतलब होता है टू शो करेंट, शो करेंट विथ हाइड डायरेक्टरीज, हाइड ऑल डायरेक्टरीज, यानी जो डायरेक्टरी करेंट दिखाई दे रहा है उनके साथ साथ जो डायरेक्टरी छुपाए गए हैं उनको भी दिखाई, एक साथ दिखा, इसका इस्तेमाल करना AD से। तो वापस चलते हैं कैसे देखा जाए इस्तेमाल करना है। तो वापस हम पहले एक बार नॉर्मल तरीके से चेक करेंगे। तो नॉर्मल तरीके से बताने पर ये बता रहा है टोटल 8 डायरेक्टरी है। हम AD का इस्तेमाल करें तो कितना डायरेक्टरी बताता है, यानी कौन कौन सी डायरेक्टरी छुपाई गई है। तो वापस दिखा दें dir/AD करेगा तो AD करने पे देखिए टोटल 15 डायरेक्टरी आ गई, यानी जो डायरेक्टरी छुपा हुआ था वो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। ये है टोटल जो इंटरनल डायरेक्टरीज कंप्यूटर में छुपा हुआ था वो सब आपके सामने है। तो ये इस्तेमाल करना है किससे, AD से, केवल हाइड डायरेक्टरी आती है। उसी तरीके से स्टूडेंट फाइल को भी देखा जा सकता है। तो फाइल को देखने के लिए आइए वापस देखिए फाइल का कमांड क्या है, AA शो, ठीक है, देखिए शो करेंट विद हाइड डायरेक्टरीज। तो हाइड डायरेक्टरीज को देखने के लिए और करेंट डायरेक्टरी को एक साथ देखने के लिए तो dir/AA इंटर करने पर ये आपको दिखाई दे रहा है टोटल 6 फाइल्स छुपा के रखी गई थी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले आपका 0 फाइल दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर छुपा के रखी गई थी जो आपके स्क्रीन पे है। तो AA से हम छुपी हुई फाइल को भी देख सकते हैं। आई स्टूडेंट अगला देखा जाए क्या है आपके सामने, अगला कमांड है AH। AH से क्या होता है, शो करेंट विथ हाइट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ओनली, यानी जो छुपाया गया फाइल्स था और छुपाई की डायरेक्टरी थी उनको देख सकते हैं। आइए देखा जाए कैसे, तो dir/AH इस्तेमाल करिए। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है टोटल 6 फाइल्स छुपाई गई थी और 7 डायरेक्टरी, ये आपके सामने है जो छुपा हुआ रिकॉर्ड था वो आपके स्क्रीन पे। तो ऐसे हम हाइड फाइल एंड डायरेक्टरी को देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट अगला कमांड, एंड अगला आपके सामने है ऑर्डर। ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ वाइज, यानी फाइल डायरेक्टरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक नीचे ए नाम आएगा, बी के नीचे बी वाला आएगा, सी के नीचे सी वाला आएगा। आइए देखा जाए कैसे किया जाए ऑर्डर वाइज। तो dir/O लगा दीजिए, इंटर। देखिए अब यहाँ पे फाइल की संख्या बहुत ही कम है इसलिए ऑर्डर वाइज आपके सामने समझ में नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब अगर ए का नाम होता जैसे एक आई के बाद एल आएगा, पी आएगा, पी क्यू यू है, डब्ल्यू है, देख रहे ना, तो ये एक क्रम बाई नाम होता तो एक नीचे ए आता, बी के नीचे बी आता, सी के नीचे सी आता, तो इसको ऑर्डर वाइज कहते हैं। तो इन दोनों को फाइल डायरेक्टरी को अलग अलग क्रम वाइज ऑर्डर वाइज दिखाता है ओ से, यानी ऑर्डर वाइज से। लास्ट टाइम कमांड आपके सामने है एस। एस का मतलब सर्च करना। तो सर्च हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल डायरेक्टरी ढूंढना नहीं मिल रहा है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर केवल एस लेके इंटर करेंगे ये बहुत तेजी से भागता रहेगा, स्क्रीन के सभी कोने में सभी ड्राइव को सर्च करेगा। इसको रोकने के लिए कंट्रोल सी का इस्तेमाल करिएगा, कंट्रोल सी, ठीक है। और जिस भी नाम या फाइल को आपको सर्च करना है dir/s उस नाम को टाइप करिए स्पेस के बाद जो नाम आपको ढूंढना है। मान राम नाम को मुझे सर्च करना है, इंटर करिएगा, तो ये राम नाम की डायरेक्टरी कंप्यूटर में किसी कोने में बनाया गया सी ड्राइव में, तो ये बता देगा। ये अभी क्या कर रहा है स्टूडेंट, सर्च कर रहा है राम नाम को। अब देखिए जब रहेगा तो बताएगा, नहीं रहेगा तो बताएगा फाइल नॉट फाउंड, इस नाम से कोई ड्राइव में डायरेक्टरी नहीं। अगर रहेगा तो कहाँ पे है, किस दिन बनाया गया है, किस डेट को बनाया गया, इसका पूरा रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभी ये सर्च कर रहा है और फाइल की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए थोड़ा समय लेता है। तो यानी कहने का मतलब इसके बाद आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, यानी कौन ये राम नाम की डायरेक्टरी कब और कहाँ पे बनाई गई थी। तो स्टूडेंट इतने सारे तरीके होते हैं जो पहले से कंप्यूटर में डायरेक्टरी या फाइल को सर्च की जा सकती थी। तो स्टूडेंट आपने देखा कि डॉस का
जो कमांड था जिसमें आपने डॉस कैसे ओपन करना है, और उसमें जो डायरेक्टरी पहले से, यानी जो फाइल्स डायरेक्टरी पहले से बने रहते हैं, उनको देखने का कितने सिंटेक्स होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर वीडियो आपके अकॉर्डिंग, यानी इसमें से ज़्यादातर ट्रिपल सी या बैंकिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक चेक कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।